ठेकेदार ने दी जान से मारने की धमकी, महिला ने एसएसपी से की शिकायत। आपको बता दें, बरेली में मीरगंज के रतनपुरी निवासी गीता पत्नी विनय कुमार गुप्ता ने लगभग 11 दिन पहले ठेकेदार द्वारा सिरोली रोड की मरम्मत की जाए, जो मरम्मत के दूसरे दिन ही बजरी उखड़ने लगी और सड़क फिर से गड्ढा युक्त हो गई। महिला ने बताया कि वह और उसके पति समाज सेवी हैं, जिसके चलते 11 दिसंबर 2022 को शाम के समय पति ने ठेकेदार से बात करते हुए घटिया सड़क बनाने का विरोध किया, जिससे ठेकेदार आबूला हो गया, गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि ठेकेदार बोला, सरकारी कर्मचारी हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, जैसी मर्जी होगी वैसा कार्य करूंगा, ज्यादा बोले तो फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दूंगा, क्योंकि अधिकारियों को हिस्सा देता हूँ। महिला ने ठेकेदार की अभद्र व्यवहार और कार्रवाई करते हुए सड़क की मरम्मत दोबारा कराने की मांग की है। सड़क के गली में पड़ रही थी आपके? जी नहीं, मैं रोड पर था। नाम तुम्हारा? गीता। क्या मामला है? ये रोड जो पड़ गया था तो हमारे पति ने इसका विरोध करा, तो इन लोगों ने गाली गलौज। किन लोगों ने? कौन लोगों ने? ठेकेदार ने। क्या करा? गंदी गली गालियाँ नहीं, और उसमें मतलब तार को जो है कम डाल के बजरी उखड़ रही है, उसने कम डाला था तो गड्ढे होने लगे, झाड़ू लगा रहे थे तो इन्होंने कहा, तो गंदी गंदी गालियाँ दी और मारने को निपट गए। मारा? और धमकी दी? जी। क्या? जान से मारने। आपकी पति है? जी। क्या करते हैं? वो हम अपना बिजनेस करते हैं। पति क्या करते हैं? समाज सेवी हैं, और वो भी अपना ही बिजनेस करते हैं। कहाँ का मामला है? ये मीरगंज। सड़क कहाँ पे पड़ रहा है? मेन रोड पड़ जाता, तहसील रोड सिरोली के लिए जो गया। थाने में शिकायत करी? जी। कार्रवाई हुई कोई बात? नहीं।